लीजिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान सी मिठाई की रेसिपी। कभी भी आपका मिठाई खाने का घर में मन है और कुछ भी नहीं है खोआ वगैरह, तो आप इसको इजी तरीके से बना सकते हैं। एकदम दिखने में बहुत सुंदर और बालूशाही के जैसी स्वाद में, ना ही तो ये जलेबी है और ना ही ये कोई स्पेशल मिठाई है, लेकिन स्पेशल से भी स्पेशल जल्दी से ही बनाना शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके खूब सारा प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए अगर अच्छी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अपने आप में एकदम अलग मिठाई है आज की जो हम बनाकर तैयार करेंगे, एकदम घर वाली चीज़ों से बनकर तैयार होगी। यहाँ पर हमने मैदा ली है, बस थोड़ा सा आपको मेजरिंग का ध्यान रखना होगा, कोई भी कटोरी वगैरह सेट कर सकते हैं। अभी मैंने एक कप मैदा ली है ये, और मैदा हमेशा ही छान कर लें क्योंकि लाइट हो जाती है, छानने से अच्छा रहता है। और 2 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ मैं। अब इसमें कॉर्नफ्लोर और डाल लेते हैं, अगर आपके पास है तो कॉर्नफ्लोर ज़रूर से डालिए, उसी से बढ़िया सी बनने वाली है। ये मैं 4 टेबल स्पून लगभग डालूंगी, इतने में इतना ही पड़ेगा, बस इतना ही ध्यान ज़रूर रखिए इस चीज़ को, कितना कितना हम डाल रहे हैं। बस देखिए 2 टेबल स्पून का है मेरे पास जो ये कप है छोटा वाला, इसको बस मिक्स करेंगे इस तरह से और छान लेंगे। बस इसको मैंने छान लिया है, पर फिर भी अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पर कॉर्नफ्लोर और कहीं पर मैदा रह जाए, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ये यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई गर्म होने रख दी है, मेज़र करके ही पानी लेंगे। जिस बर्तन से हमने मैदा लिया उसी से हमें पानी लेना है, बताऊँगी मैं आपको कितना पानी लेना है। देखिए मैंने 1/4 कप लगभग पानी लिया है। बस इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे ताकि अंदर से ये फीकी फीकी ना रहे, वैसे अच्छे से रस एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो हम चाशनी बनाएंगे। लेकिन 2 टेबल स्पून चीनी डाल दिए मैंने, 2 भला 2.5 टेबल स्पून डाल दिए ताकि अच्छे से मीठी हो जाए ये, और पानी को पकने देते हैं थोड़ा सा। अब इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल जाएगा, 2 टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ मैं, इसको भी ज़रूर डालिए, इससे भी बहुत बढ़िया बनेंगे अंदर से, ज़रूरी ये डालना। चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं इसकी जगह पर, नहीं तो बिना महक वाला कोई भी रिफाइंड ऑयल का यूज कर सकते हैं। बस इसको इस तरह से चला दीजिए ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस जैसे ही हमारे पानी में उबाल आ जाए, गैस को सिम कर दें और जो हमने मैदा छान कर रखी है उसको ऐड करें और एक हाथ से मिक्स करते रहें साथ साथ ताकि लम्स ना पड़े, और आँच को सिम पर ही रखें। ये एकदम आटे टाइप तैयार हो जाएगा, डो रूप में आ जाएगा और बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। बस गैस को इस समय पे कर देंगे बंद और इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि एक भी गुठली ना रहे। अगर आपको डाउट है कि एक भी गुठली रह जाएगी तो किसी कटोरी वगैरह से पीछे से अच्छे से मसल दें, क्योंकि जो सूजी की गुठलियाँ रह जाती हैं वो बाद में ख़त्म की जा सकती हैं। लेकिन यदि हम मैदा इस तरह से तैयार कर रहे हैं उसमें गुठलियाँ रह जाएँ तो वो फिर बाद में ख़त्म नहीं होती हैं, कोई भी रेसिपी बनाने में फिर प्रॉब्लम आती है। बस अच्छे से चलाते जाएँ तेज़ तेज़ इसको इस समय पर। बस चलिए एक बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। गैस के ऊपर मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहे। बस इसको किसी भी बर्तन वगैरह से अच्छे से मसल दूँगी ताकि इसमें एक भी गुठली न रहे। बस देखिए इस तरह से कटोरी को उल्टी तरफ से, क्योंकि ये गर्म है हाथ से नहीं कर सकते हम, इस तरह से अच्छे से मसल लें, क्योंकि अगर एक भी गुठली रह गई जैसा मैंने पहले बताया फिर अच्छी नहीं बनेगी हमारी रेसिपी। मैं नीचे रख कर करती हूँ साइड पर। बस देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मसल लिया, एकदम तैयारी हो गया है लगभग। यदि आपको लगे ज़्यादा चिपचिपाए तो हल्का सा हाथ लगा सकते हैं आप घी वगैरह का, पहले शुरू में इसी तरह से मसल लें। लेकिन बस देखिए एकदम डो रूप में आ गया, इसी तरह से तैयार कर लें। थोड़ा सा चिपकता है परात वगैरह में, निकाल लें फिर बहुत अच्छा हो जाता है एकदम चिकना सा। अभी हमारा ये मैदा का डो बनकर तैयार हो गया है, बनाकर दिखाती हूँ मैं किस तरह से बनाना है हमको जो मिठाई बनाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन ले लीजिए, आप इसको फोर्क को लेके फोर्क से बना सकते हैं। यदि आपके पास नोज़ल वगैरह है जिससे हम केक सजाते हैं उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है इसका डिज़ाइन, लेकिन मेरे पास वो अभी नहीं है तो मैं इसी से बनाऊँगी बस इस तरह के इनको। चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं अगर फोर्क नहीं है तो, आप इसको सबको इक्वल साइज़ का ही बनाएं, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में भी। बस इस तरह से गोल गोल बनाइए और इसके ऊपर रखिए और थोड़ा सा बस दबा दीजिए, इस तरह से प्रेस करिए, हटा लीजिए। अगर आपको लगे कि आपकी फोर्क के साथ चिपक रहा है तो थोड़ा सा फोर्क को ग्रीस कर सकते हैं, वैसे ऐसे ज़्यादा चिपकता नहीं है ये, फटाफट से ही बन जाता है जल्दी से ही जब हम बनाने लगते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगते इस रेसिपी को बनाने में। देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं, फ्राई करने के बाद भी ये डिजाइन ऐसे ही रहेगा। यदि आपके पास फोर्क नहीं है तो इस तरह की कोई भी टूथपिक वगैरह हो तो उससे भी देखिए इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, ऐसे भी बन जाता है ये, बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से बने हुए भी, कैसे भी कर सकते हैं। वैसे फोर्क तो सब घर में होती है, ये भी देखिए डिजाइन कितना प्यारा लग रहा है, इस तरह के भी बना सकते हैं आप। बस जल्दी से फटाफट से सारे बनाकर तैयार कर लेती हूँ मैं इसी तरह से।
बस इनको जल्दी से तैयार करके चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। चलिए, ये यहाँ पर मैंने चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई रख दी है। 1 कप पानी डाल देंगे इसमें। अब इसमें चीनी डालेंगे। बस जितना आपने पानी रखा है चीनी थोड़ा सा उससे ज़्यादा रखें। यदि 1 कप पानी रखा है तो 1/4 कप चीनी रखें। ये मेरे पास मेजरिंग का छोटा कप है, मैं इससे 4 बार डाल रही हूँ। 1/4 कप वाला, 4 से भी थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी बस। और इसको तार वार लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से ही मेल्ट हो जाएगी जैसे ही चीनी। बस थोड़ा सा उबाल लगा के बंद करेंगे, बताऊँगी किस लेवल तक पकाना है। 4 बार चीनी डाल दी है मैंने 1/4 कप से, और थोड़ी सी और भी डाल दी है बाद में। 1 कप पानी में आप लगभग 1/4 कप चीनी ले सकते हैं, और चलाते हुए इसको मेल्ट करेंगे। बस इसी तरह से मीडियम आंच पे रखेंगे, गैस को मीडियम पे रखेंगे। बस 1 पिंच में फूड कलर का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आज केसर वगैरह नहीं है। यदि केसर है तो वो डाल दीजिए। अगर आप ऐसे प्लेन भी रखना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी अच्छी बनती है टेस्ट में तो। पर मुझे थोड़ा सा दिखने में भी अच्छी चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़े से कलर का यूज किया है बस। अभी देखिए इसमें अच्छे से बबल्स आ रहे हैं और पकना शुरू हो गई है हमारी ये। कोई इसमें मैंने जैसे बताया तारवार नहीं लेना है, बस 1-2 मिनट के लिए और पका कर इसको बंद करेंगे। चाहे तो 1-2 बूंद नींबू की डाल सकते हैं आप इसमें, ताकि ये जल्दी से ना जम जाए। बस मैंने 2 मिनट के लिए और इसको पकाया, दिखा रही हूँ मैं आपको किस तरह की बनानी है हमें। थोड़ा बस चिपचिपी लगनी चाहिए इस तरह से, देखिए कोई तार नहीं आया है इसमें। थोड़ा सा बस तार आने वाला होता है तभी बंद कर देते हैं इसको। बस देखिए दोस्तों, ये भी हमारे सारे बनकर तैयार हो गए हैं। इनको फ्राई करते हैं। दोस्तों मैंने इस रेसिपी को कोई नाम नहीं दिया है, आप बताइए इसको क्या नाम दूँ, कमेंट करके ज़रूर से। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ जैसे मैंने पहले बताया लाइक भी कर दीजिए। ये हमारा तेल गरम है, यहाँ पर तेल अच्छे से गरम होना चाहिए शुरू में, ऐसा नहीं है कि स्लो आँच पर आप इनको डाल दें। देखिए मैंने ज़रा सा टुकड़ा डालकर चेक कर लिया है तेल को, अच्छे से गर्म है जैसे मैंने बताया, अच्छा गर्म होना चाहिए तेल हमारा। थोड़ी देर बाद आँच को स्लो पे कर देंगे, लेकिन शुरू में गर्म होना चाहिए अच्छे से। और डाल देंगे जितनी भी आराम से आएंगी, चिपकती नहीं है ये, एकदम आराम से डाल दीजिए इस तरह से। और सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे, थोड़ा सा चला देंगे। बस देखिए इस तरह से हल्के हाथ से चला दीजिए, काफ़ी अच्छी फूल जाती हैं, डबल सी हो जाती हैं फूल कर, बहुत सुंदर लगती हैं दिखने में। और खाने में तो बस पूछिए मत, सुपर टेस्टी एकदम। बच्चे भी रोज़ रोज़ मांग करेंगे, और एकदम सस्ते में बनने वाली मिठाई है दोस्तों, ज़रूर से ट्राई करिए, ये तो ट्राई करना बनता है। बस देखिए अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करें इस तरह से, कितनी बढ़िया हो गई हैं, फूल गई हैं ना एकदम बढ़िया सी। ना ही तो ये गुलगुले हैं और ना ये जैसे मैंने बताया बालूसाई हैं, लेकिन बहुत सुपर टेस्टी है। बनाकर देखिए एक बार ज़रूर से। थोड़ा सा कलर चाशनी में जाएगा तो चाशनी का भी आएगा इसके ऊपर, कच्ची ना रहनी चाहिए अंदर से। थोड़ा बाद में गैस को जैसे मैंने बताया सिम पे कर दीजिए। अब दोबारा से जब दूसरा बैच डालेंगे फिर से तेल को अच्छा गर्म करेंगे। इसी तरह से सारे बैच उतार कर तैयार करेंगे। इसको डाल देते हैं हम चाशनी में जो हमने उतार के रखा है। ये यहाँ पर मैंने दूसरा बैच भी फ्राई होने के लिए डाल दिया है, और जो मैंने हाथ से बनाई है इसको भी डालती हूँ, दिखाऊंगी आपको लास्ट में कैसी बनी है भी। चलिए उसको डाल देते हैं चाशनी में। 5-6 मिनट लग जाती है एक बैच को फ्राई होने में, उतने समय के लिए हम उसको रखेंगे चाशनी में। बस देखिए 5 मिनट के लिए इसको चाशनी में रखेंगे, अच्छे से सोख लेंगी इतनी देर में ये, तब तक हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो जाएगा। 3 बार में ये फ्राई होकर तैयार हो जाएंगी। बस देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, कलर भी अच्छा आ गया। 1 बार की मैंने निकाल ली है, छलनी वगैरह में इसी तरह से निकाल ले ताकि ये एक्स्ट्रा चाशनी जो है नीचे गिर जाए। बस इसी तरह से, चाहे तो आप इसको कई दिन तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं दोस्तों, वो कई दिन तक मज़ा ले सकते हैं। लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा नहीं बनाई, मेरे बच्चे तो मुझे लग रहा है सुबह तक ही ख़त्म कर देंगे, शाम को बना रही हूँ मैं। बस चाहे तो कोई काट कर आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इस तरह से, वैसे ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप इसी तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों एक तोड़कर भी दिखाती हूँ आपको, कितनी रसीली बनी है, एकदम जूसी जूसी, मज़ा आ जाता है खाकर। मिलेंगे एक और बढ़िया से वीडियो के साथ। थैंक यू।